क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना बहुत अच्छा है। चलो कोई तो खुश हुआ, वरना यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। छोड़ो बाकी सबको, तो कभी खुश नहीं होते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी प्यारी मॉडर्न अमेरिकन भाभी मिल रही है। हाँ, और वो बेचारा डेविड, वो तो सदमे में चला गया। मैंने तो उसे कहा था कि दादा से जाके इनकार कर दो, और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? नहीं, दादा जान के सामने कोई नहीं बोल सकता। दाऊ भाई तो छोड़े, अब्बा जी नहीं बोल सकते। लेकिन तुम्हें क्या मसला है? दाऊ भाई इतने अच्छे तो हैं, इतना ख्याल रखते हैं, ऊपर से नेक हैं। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे भाई में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती। तो शादी क्यों कर रही हो उनसे? लीव इट, तुम नहीं समझोगी। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो तुम्हारी कजन है जिसकी शादी रजिया डेविड से करवाना चाहती थी, डेविड और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? नाइमा बाजी? नहीं, वो तो अम्मी और खाला का फैसला था। दाऊद भाई नहीं, वो नहीं पसंद करते नाइमा बाजी को, बल्कि पता नहीं कब से मिले भी नहीं है। वो तो बस अम्मी के फैसले की वजह से खामोश हो जाते थे। बेचारा तुम्हारा भाई। ये सब चीजें छोड़ो ना, ये बताओ कि तुम क्या पहनोगी? लहंगा, गरारा, पिशवास? मुझे तो इन सब चीजों का नहीं पता। हाँ तुम्हें क्यों पता होगा, चलो मेरे साथ बाजार चलना, हम लोग देखेंगे। ओके। भाभी या व्हाटएवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपा, बहुत ज्यादा। अब्बा जी ने मेरी एक नहीं सुनी। हर दाऊद का तो आपको पता ही है कितना फर्मा बरदार बेटा है, दादा के हुक्म के आगे सर झुका दिया। अच्छा अच्छा बस कर दो, मुझे नहीं सुनी तुम्हारे ससुराल की हाकमियत और तुम्हारे दाऊद की फरमाबरदारी। अरे मैंने तुम्हारे वादे और तसल्ली पे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए नाइमा के। क्या आला खानदान के पढ़े लिखे रिश्ते आए थे मेरी बेटी के, और तुम मुझे इनकार कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे ससुर की और दाऊद की राल टपक गई थी वो अमेरिकन लड़की देखकर? ऐसा नहीं आपा, आपको तो पता है हमारे घर के सारे फैसले अब्बा जी लेते हैं। बस उन्होंने फैसला सुना दिया और जुमे को निकाह की तारीख भी रख दी। हाँ तो जाओ ना, सजाओ अपने बेटे के सर पे सेहरा। मुझे क्यों फोन किया तुमने? लेकिन सुनो रजिया, एक बात मेरी याद रखना, ये शादी नहीं चलेगी। अरे किसी मासूम बच्चे के अरमानों का खून करके तुम्हें क्या लगता है दाऊद खुश रह सकेगा? हरगिज नहीं। ऐसा ना कहें आपा, मेरा और मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। हाँ तो कसूर तो सारा हमारा है ना, तुम्हें अपना जो समझा मैंने। आपा मैं जानती हूँ आपका बहुत दिल दुखा होगा। आपकी तमसी तो मेरा मेका है। जुमे को आपने जरूर आना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे शादी तो क्या, मैं जिंदगी में तुम्हारे घर भी कदम नहीं रखूंगी। सुन लिया तुमने? बंद करो ये फोन। अरे आपा मेरी बात तो सुने। एक ही बहन थी मेरी, उससे भी ताल्लुक खत्म हो गया, सब इस लड़की की वजह से।